शनिवार को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के महापौर दयाशंकर तिवारी और उपमहापौर मनीषा धावड़े इन्होंने वैरायटी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया। वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे ने भी गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी और उपमहापौर मनीषा धावड़े ने शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर वैरायटी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। इस दौरान नगर सेवक संजय बंगाले, सुनील हिरनवार, प्रमोद चिकले, नगर सेविका उज्ज्वला शर्मा, रूपा राय, हर्षला साबरे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनकी पुण्यतिथि पर मनपा द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में देश के सामान्य जन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने में महत्तम भूमिका निभाई। उनके इस कार्य को हम जीवन में कभी नहीं भुला सकते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को आदर्श मानते हुए महानगर पालिका ने आज दो कार्यक्रमों का आयोजन किया। नागपुर शहर में जो गठरी कामगार रहते हैं, जिन्होंने महानगर पालिका के माध्यम से रास्ते पर फुटपाथ पर उन्हें आश्रय देने के लिए परिपत्र दिया था, उनके माध्यम से 63 एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुई, जिसमें से 37 लोगों को आज हम लीज के पट्टे दे रहे हैं और उनका रोजगार सामान्य रूप से शुरू हो सके, धूप और बारिश से वो लोग बच सके, इस प्रकार का नियोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार आज शाम को कोरोना के कार्यकाल में जिन सामाजिक संस्थाओं ने नागपुर महानगर पालिका को बढ़ चढ़ करके साथ दिया, भोजन से अनाज से लेकर सैनिटाइजर और मास्क तक के पुराने का काम किया, वे पौने 400 संस्थाओं का सत्कार माननीय नितिन जी गडकरी जी के हस्ते हम लोग सुरेश भट्ट सभागृह में कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समाज को साथ में लेकर के समाज के साथ सहकार्य करते हुए आगे बढ़ने की बात करते थे, उसी दिशा में हम लोग कदम ताल कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति के पास वे सारी चीज़ है जो मनुष्य की हर इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन प्रकृति के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मनुष्य की लालच लिप्सा की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए प्रकृति का संवर्धन इस वर्ष भर हम लोग अच्छे से कर सके, इस दिशा में नागपुर महानगर पालिका कार्य करेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने संपूर्ण देश को अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया, वहीं देश को एक नई दिशा देने में भी अहम भूमिका अदा की। इन चीजों का जिक्र करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे ने गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया और उन्हें विनम्र अभिवादन किया। आज महात्मा गांधी जींची पुण्यतिथि आणि त्यानिमित्ताने नागपुर शहर कांग्रेस कमिटी तर्फे इथे आदरांजली अर्पित करण्यात आलेली आहे। आपल्या सर्वांना माहित आहे की या देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी महात्माजींचं योगदान काय होतं आणि त्यासाठी त्यांचा जीवसुद्धा गेला, त्यांचा खून करणाऱ्या त्या लोकांविरुद्ध जनतेचा रोषसुद्धा होता। देश पारतंत्र्यातून स्वातंत्र्यात आलं, परंतु स्वातंत्र्यात आलं गुलामगिरीतून या देशाला मुक्त करण्यासाठी गांधीजींचं जे योगदान होतं ते आपण लक्षात घेऊन आज या देशाची परिस्थिती काय आहे, आज आपण गुलामगिरीतून मुक्त झाल्यानंतरही आज गुलामगिरीत असल्यासारखं वागणं या देशाला मिळत आहे, तर आज या दिनी गांधीजींना नमन करून आदरांजली अर्पण करून हेच मागू इच्छितो की आपण या गुलामगिरीतून मुक्त केलेल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळावं, भारतातील शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळावं, अशीच आज या दिनी आदरांजली अर्पित करतो। गांधी जी द्वारा दिए गए विचारों को आज के इस युग में अपनाने की बहुत जरूरत है। आशा है हर कोई इस जरूरत को समझे और उनके दिए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करे। कैमरा पर्सन माइकल रायपुरी के साथ दिशा हटपार की रिपोर्ट।